हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज रोशनी। गाइज, आज की वीडियो होने वाली है अबाउट मीशो। मीशो से इससे पहले भी मैं एक टॉप एंड जीन्स हॉल इस चैनल पे डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन पे भी दे दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। गाइज, अगर आप मीशो के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देती हूँ। मीशो इज अ रीसेलिंग ऐप जिसके थ्रू आप डिफरेंट प्रोडक्ट की रीसेलिंग कर सकते हो अपने मार्जिन ऐड करके। अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो आप मेरे दिए हुए लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उससे फायदा ये होगा कि आपको पहले ऑर्डर पे अप टू 30% या मैक्सिमम 100 रुपीज आपको ऑफ मिल जाएगा। जो मेरा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मीशो से रीसेलिंग किस तरीके से कर सकते हो उसके लिए मैं इस वीडियो में एंड में आपको बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुर्ती सेट जो मैंने लिए है मीशो से। ये भी जन्माष्टमी है, राखी आ रही है, सो दिस इज अ फेस्टिवल टाइम, उसके हिसाब से ये सूट सेट बहुत ही परफेक्ट है। सो गाइस, सबसे पहले मैंने लिया है दिस कुर्ती सेट। दिस इज विद दुपट्टा एंड इसका जो नाम है वेबसाइट पे वो है ट्रेंडिंग कुर्ती प्लाजो विद दुपट्टा सेट। ये जो है ये व्हाइट कलर में है, पूरा फ्लोरल प्रिंट है, यहाँ पर पर्ल्स लगे हुए हैं और इस तरह से यहाँ पे लेस की डिटेलिंग दी हुई है। इसकी स्लीव पे इस तरीके का बॉर्डर है। गाइस, ये ब्लू एंड रेड जो है इसपे प्रिंट है, बाकी जो इसका बेस कलर है वो व्हाइट है। नेक जो इसका है वो राउंड शेप में है, आगे से कट दिया हुआ है। जो फैब्रिक है इसका गाइस, दिस इज इन कॉटन एंड इसका जो स्लीव्स है ये 3/4 में स्लीव दिया हुआ है। मीडियम टू ट्रिपल एक्सल साइजेस में ये अवेलेबल है एंड इसका जो प्लाजो है फुल लेंथ प्लाजो है। ऊपर से यहाँ पे प्लाजो में ये इलास्टिक दिया हुआ है एंड इसका जो दुपट्टा है वो भी पूरा व्हाइट कलर में है, बीच बीच में ये ब्लॉक प्रिंट्स दिए हुए हैं और पूरा फुल लेंथ का दुपट्टा है। सो गाइस, जो मैंने प्राइस पे किया है इस कुर्ती सेट के लिए दैट इज 672 रुपीज। बाकी इसका जो कोड है प्रोडक्ट कोड वो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो दिस वॉज माई फर्स्ट परचेज। जो नेक्स्ट मैंने लिया है गाइस, दिस इज दिस व्हाइट कलर का कुर्ता। इसमें इस तरीके का यहाँ पर बटन्स दिए हुए हैं, ये पूरा चेक में है एंड आई मस्ट टेल यू कि इसका जो फैब्रिक है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कॉटन है, तो बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका। इसके साथ मुझे मिला है ये प्लाजो, दिस इज इन पीच कलर। प्लाजो का फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, व्हाइट और हल्का सा पीच, ये सेल्फ में है, इस तरीके का ये इलास्टिक दिया हुआ है। सो गाइस, दिस कुर्ता इज स्लीवलेस। इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल वेयरिंग स्लीवलेस क्लोथ देन आप जो है इसमें ये स्लीव दी हुई है, आप इसमें अटैच कर सकते हो स्लीव। इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है मीशो पे वो दिया है वुमन कॉटन ए लाइन चेक लॉन्ग कुर्ती विद प्लाजो। इसमें भी आपको 3-4 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने इसका जो प्राइस पे किया है दैट इज 410 रुपए और 410 रुपए में जिस तरीके का ये जो फैब्रिक है, आई मस्ट टेल यू आई डोंट थिंक सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ मटेरियल इन मार्केट। ऑफिस गोइंग अगर आप हो, आप नॉर्मल किसी डे में किसी के घर जा रहे हो या आपके घर पे कोई आ रहा है तो उस तरीके के ओकेजन्स पे आप इसे वेयर कर सकते हो। बहुत ही ट्रेंडी सा और बहुत ही स्टाइलिश सी कुर्ती है, सिंपल एंड सोबर एंड द प्राइस यू आर पेइंग दैट इज टोटली वर्थ इट। आई बॉट दिस इन एम साइज और ये मुझे बहुत अच्छे से फिट हुआ है। जो नेक्स्ट मैंने लिया है गाइज, दिस इज ब्लू कुर्ता सेट। इसका जो नेक है शेप में इसका नेक है, आगे से कट दिया हुआ है, छोटे छोटे बटन दिए हुए हैं कॉटन के। इसका जो स्लीव्स है वो 3/4 है, आगे इस तरीके का बॉटम दिया हुआ है। पूरा कुर्ता जो है ब्लू कलर में है, ऊपर ये रेड और ग्रीन कलर में ये फ्लावर प्रिंट दिया हुआ है, पूरा फुल कुर्ता है। इसके साथ मुझे मिला है ये प्लाजो, दिस इज इन चेक प्रिंट, ऊपर इस तरीके का इलास्टिक है, प्योर कॉटन में है ये। सो ऑफिस वेयर एंड रेगुलर वेयर के लिए दिस कुर्ता सेट इज परफेक्ट। सो मीशो पे इस कुर्ता सेट का जो नाम दिया हुआ है दिस अभी सारी का ग्रेसफुल वुमेन कुर्ता सेट एंड दिस इज अवेलेबल टिल डबल एक्सएल फॉर इस इन मीडियम साइज और मुझे ये बहुत अच्छे से फिट हुआ है। जो प्राइस इसका मैंने पे किया है गाइस, दिस इज 392 रुपीज। यस, यू हर्ड इट राइट, 392। मतलब कहाँ से ले आते हो यार इतने कम पैसों में इतने अच्छे कपड़े। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कुछ बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा कुछ क्वालिटी का मिल जाता है। आप पसंद करते हो बहुत डिसेंट से कुर्ता सेट्स को तो आप इसको ले सकते हो, दिस इज अ वेरी गुड चॉइस। सो ये थी मेरी थर्ड परचेज। सो जो नेक्स्ट मैंने लिया है दिस इज मायरा एनसेम्बल वुमेन कुर्ता सेट। ये है वाइन कलर का कुर्ता, फ्रॉक स्टाइल कुर्ता एंड इसके पीछे ये लटकन दी हुई है। 3/4 इसकी स्लीव है, नॉट 3/4 मतलब ये आपके एल्बो तक आती है स्लीव, गोटा का काम है स्लीव पे।
थोड़ा सा बोट नेक लुक है। फ्रंट और बैक का नेक है गाइस बिल्कुल सेम है। इसके साथ जो मुझे बॉटम मिला है दिस इज दिस वाइट शरारा, बिल्कुल प्लेन शरारा है ये, काफी अच्छा घेरा है शरारे का, ये देख सकते हो। ऊपर जो है ये इलास्टिक दिया हुआ है। यू कैन वेयर दिस काइंड ऑफ कुर्ता सेट इन एनी फेस्टिव ओकेजन, लाइक अभी जैसे कि राखी आ रही है तो राखी के पर्पज से दिस कुर्ता सेट इज परफेक्ट। आप इसे हेवी इयररिंग्स के साथ और अच्छे अच्छे बैंगल्स के साथ आप इसको पेयर अप कर सकते हो एंड दिस विल लुक स्टनिंग। जो साइज का लिया है दिस इज इन मीडियम साइज और बहुत अच्छे से मुझे ये फिट हुआ है और ट्रिपल एक्सएल साइज तक अवेलेबल है। कुर्ते का जो फेब्रिक है दिस इज रेयन फेब्रिक और जो इसका बॉटम है गाइस दिस इज इन प्योर कॉटन। जो प्राइस मैंने पे किया है दैट इज 568 रुपीज। तो जो नेक्स्ट मैंने लिया है दैट इज चित्र रेखा फैशनेबल वुमेन कुर्ता सेट, आई बॉट दिस इन 439 रुपीज। ये है इस मरून कलर का कुर्ता, नीज तक की लेंथ का कुर्ता है। आगे जो है इस तरीके का राउंड नेक है, बीच में अगेन ये कट दिया हुआ है और यहाँ पर गोल्डन थ्रेड से जो है ये पूरा काम हुआ हुआ है। इसकी स्लीव पे भी ये बॉर्डर दिया हुआ है, ये फुल स्लीव है, दिस इज इन रेयन फैब्रिक। इसके साथ मुझे मिला है व्हाइट कलर का ये पैंट, ऊपर मरून कलर से ये प्रिंट हुआ हुआ है, पेटल्स टाइप का कुछ प्रिंट है इसपे, यहाँ ऊपर इलास्टिक है। ये मैंने मीडियम साइज में परचेज किया है बट ये मुझे वेस्ट से थोड़ा सा टाइट है तो मुझे एक साइज का बड़ा लेना पड़ेगा। सो अगर आप ये कुर्ता सेट ले रहे हो तो मेक श्योर अगर आप मीडियम साइज लेते हो तो आप इसका लार्ज साइज लो। अभी मीडियम साइज जनरली पहनती हूँ बट ये मुझे यहाँ वेस्ट से थोड़ा सा टाइट है तो इसलिए मुझे एक साइज का बड़ा लेना पड़ेगा। सो डबल एक्सएल साइज तक अवेलेबल है ये मीशो पे एंड आई बॉट दिस इन 425 रुपीज। अगेन ये ऑफिस वेयर के हिसाब से और अगर आप किसी हैवी इयररिंग साइज को पेयर करते हो तो ये फेस्टिवल लुक में भी चल जाएगा। कुर्ती ब्रांड्स होते हैं जैसे कि बीबा है, डब्ल्यू है, उस पे इस तरीके के कुर्ते काफी मिलते हैं और जो कॉस्ट आप उनकी देते हो वो 1000-1200 रुपए के आसपास देते हो बट मीशो पे ये पूरा सेट मुझे है 425 रुपीज का मिला है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, इस कपड़े की रेयन फैब्रिक है और बहुत ही अच्छे फाइन क्वालिटी का ये कुर्ता है। जो लास्ट सेट मैंने लिया है मीशो से वो है दिस सॉलिड कुर्ता प्लाजो है दुपट्टा सेट। सो गाइस दिस इज इन पाउडर ब्लू कलर, स्काई ब्लू भी आप इसे बोल सकते हो। ये पूरा अनारकली कुर्ता है, पूरा फुल लेंथ है, फ्लोर लेंथ है इस कुर्ते की, अनारकली स्टाइल है। नीचे जो है फ्रंट इसका इस तरीके का है बट यहाँ पर नीचे पिंक कलर का बॉर्डर है तो उसकी वजह से यहाँ पर हल्का हल्का पिंक रिफ्लेक्शन आता है विच वॉज लुकिंग वेरी वेरी गुड। नेक जो है इसका गाइस यहाँ पर ये अंगरखा स्टाइल का ये नेक दिया हुआ है, ये लटकन है आगे फ्रंट में और 3/4 इसकी स्लीव्स है, स्लीव पे भी इस तरीके का तीन ये पिंक कलर का बॉर्डर है, गोटा पट्टी का काम हुआ हुआ है बॉर्डर पे और नेक पे भी गोटा पट्टी का और पिंक कलर का बॉर्डर है। गाइस दिस इज इन पॉली सिल्क फैब्रिक, अंदर भी इस तरीके का ये अस्तर दी हुई है तो इसकी वजह से जो फ्लेयर है और फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है। दिस इज इन मीडियम साइज बट मुझे हल्का सा ये टाइट है तो मुझे इसका एक साइज बड़ा लेना पड़ेगा। फेस्टिवल्स के हिसाब से दिस कुर्ता सेट इज परफेक्ट। जो प्राइस का मैंने पे किया है दैट इज 868 रुपीज। राखी के पर्पज से दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कुर्ता सेट, सो विदाउट एनी डाउट यू कैन गो विद दिस। प्लेन बॉटम है, सेम फैब्रिक का, पॉली सिल्क फैब्रिक का ये बॉटम है, इसमें ऊपर ये इलास्टिक है। इस कुर्ता सेट की जो यूएसपी है गाइस दिस इज दिस दुपट्टा, बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्रिटी दुपट्टा दिया हुआ है इसके साथ। इस पे पूरे दुपट्टे पे ये गोटा का काम है, बीच बीच में भी ये गोटा लगा हुआ है, पूरे दुपट्टे पर ये पिंक कलर के आपको फ्लावर्स मिल जाते हैं। इसका बॉर्डर है दुपट्टे का, यहाँ पर ये इस तरीके के टैसल्स लगे हुए हैं पिंक कलर के। तो फॉर राखी दिस कुर्ता सेट कैन बी योर परफेक्ट परचेज। फुल लेंथ दुपट्टा है ये, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शॉर्ट दुपट्टा है या कुछ, जॉर्जेट इस दुपट्टे का स्टफ है, इतनी सुपर क्वालिटी है इसकी तो आप इसको ले सकते हो। सो ये थी मेरी आज की परचेज मीशो से। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप मीशो से किस तरह से रीसेलिंग कर सकते हो। सो गाइज दिस इज़ मीशो ऐप, डिफरेंट कैटेगरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जब आप कैटेगरीज पे क्लिक करोगे तो जितनी भी कैटेगरीज यहाँ पर अवेलेबल है मीशो पे वो खुल जाएंगे। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया है ज्वेलरी कैटेगरी, इसमें मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ये इयररिंग्स। लेट्स सपोज दिस यू वॉन्ट टू बाय फॉर योर कस्टमर, आप इसमें जब क्लिक करोगे नीचे ये शेयर नाउ का ऑप्शन है, इसमें आप इमेज और डिस्क्रिप्शन कॉपी करके अपने कस्टमर्स को भेज सकते हो। इसमें कहीं पर भी मीशो का नाम मेंशन नहीं होता है, इसमें सिर्फ आपका ही नाम मेंशन रहता है।
जैसे कि आपने ये सेलेक्ट किया और उसके बाद आप इसको आगे प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हो, तो इसका MRP है 230 रुपीज़। मैंने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कर लिया है। जब मैं आगे प्रोसीड करूँगी तो मुझे ये शो करेगा इसका प्राइस और जितना मार्जिन मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ। लेट्स सपोज़ मैं इसको सेल करना चाहती हूँ आगे 260 रुपीज़ में, तो 30 रुपीज़ मेरा मार्जिन रहेगा। सो इस तरीके से आगे एड्रेस ऐड करके मैं यहाँ पर इसका ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकती हूँ। कस्टमर को ये 260 रुपीज़ में ही दिखाई देगा, कहीं पर ये मेंशन नहीं हुआ ये 230 का है। आपका मार्जिन जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है जब भी आप कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करते हो या कोई और मोड से कस्टमर पेमेंट करता है। सो दिस वॉज माई शॉपिंग फ्रॉम मीशो दिस टाइम एंड आगे भी आई एम प्लानिंग टू बाई सो मच स्टफ फ्रॉम मीशो एंड आई मेक श्योर दैट आई विल मेक अ रिव्यू वीडियो ऑफ इट और मैं इस चैनल पर आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन अबाउट माई चैनल एंड यस आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।